हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों के टंग को सही प्रकार से कैसे क्लीन किया जाए। अगर हम बच्चे की टंग को सही प्रकार से क्लीन ना करें या उनका ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन ना रखें तो आगे चलकर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टूथ कैरीज, यानी कि दांतों का सड़ना, मैल ओक्लूजन या टीथ इरप्शन में प्रॉब्लम, नए दांतों में आने में प्रॉब्लम, गम्स की प्रॉब्लम। इस प्रकार के कई सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है अगर आप सही समय पर एक्शन लेंगे और सही प्रकार से क्लीन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये बात नोटिस की कि बेबी टंग क्लीनिंग या माउथ क्लीनिंग या ओरल हाइजीन के बारे में इंटरनेट पे जानकारियां तो हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है या पूरी नहीं है। तो ऐसे कम जानकारियों की वजह से हम कई बार क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब वो 2 या 3 साल के हो जाते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमें हमारे अड़ोसी पड़ोसी या फ्रेंड्स बताते हैं, वो चीज़ें भी हम बिना सोचे समझे या बिना रिसर्च किए अप्लाई करने लगते हैं अपने बच्चों पर। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी वो टोटली साइंटिफिक जानकारियां हैं जो हमारे मेडिकल बुक्स और मेडिकल जर्नल में हैं, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि उनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बेबी को किसी भी प्रकार की ओरल समस्या या ओरल हाइजीन की समस्या ना हो। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ख्याल आता है पेरेंट्स के मन में वो ये है कि बच्चों की जो हमें जो गम्स क्लीनिंग है, टंग क्लीनिंग है, वो कब से शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिस दिन से बेबी पैदा हो गया है उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और कई सारे लोगों का ये मानना है कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आते तब तक उसे टंग क्लीनिंग की या गम्स क्लीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से क्या सही है? एक्चुअली जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो जो दूध में जो शुगरी सब्सटेंस है उसकी वजह से उसके मुंह में कई सारे बैक्टीरिया फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। ये जो बैक्टीरिया है उसके टंग यानी कि जीभ पर, गालों के अंदरी हिस्सों पर और गम्स यानी कि मसूड़ों पर जमना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 वो इतनी ज़्यादा लेयर बनाने लगते हैं कि उनकी थिक कोट फॉर्म हो जाती है। जैसे ही बच्चे के दांत आते हैं तो क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी इतनी सारी बैक्टीरिया ने अपनी कॉलोनीज बना कर रखी है, वो उसके दांतों पे भी प्लैक बनाने लगते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये इतना एसिड प्रोड्यूस करते हैं कि दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाते हैं और अर्ली टूथ डीके बच्चों में शुरू हो जाता है, बच्चों के दांत का कलर भी बदल जाता है। तो अगर आप बच्चों के दांतों की और बच्चों के टंग्स की और गम्स की सफाई जल्दी शुरू नहीं करेंगे तो काफ़ी संभावना है कि आगे चल के उसे टूथ डीके हो। यूजुअली जब बच्चा छोटा होता है, 2 या 3 दिन का होता है, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप इतना रिस्क लें कि कोई कॉटन या कोई गॉस उसके मुंह में डालें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को कम से कम 1 महीने के हो जाने दीजिए ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद हम उसकी टंग और गम्स की क्लीनिंग शुरू कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने बार क्लीन करना चाहिए। आइडियली बच्चों की जो गम्स और टंग है उनको 2 बार क्लीन करना ज़रूरी होता है। तीसरा ये क्वेश्चन है कि हमें कब करना चाहिए। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिए हुए कम से कम 1 से 2 घंटे हो गए हों या फिर दूध पिलाने के पहले कीजिए। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि अगर आप दूध पिलाने के तुरंत बाद उसका टंग क्लीनिंग शुरू करेंगे तो हो सकता है उसे गैग रिफ्लेक्स यानी हल्की सी वॉमिट लगे और वो दूध को पलट दे। तो इसीलिए दूध पिए हुए कम से कम 1 से 2 घंटे हो गए हों या फिर दूध पिलाने के पहले आप उसे टंग क्लीन कर दीजिए। जब बच्चा सुबह सोकर उठता है या जब आप उसे नहला रहे होते हैं, एक बार आप तब कर सकते हैं और एक बार आप उसको रात को हल्का सा कर सकते हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किससे क्लीन करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप गौज यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वाइप यूज़ कर सकते हैं, तो हमें करना क्या है?
तो इसमें मेरा ये सजेशन है कि आप गॉज यूज करें या फिर क्लीन कपड़ा यूज करें या फिर फिंगर ब्रश जो आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इन तीनों में से जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो बहुत ही प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से साफ होनी चाहिए। बच्चे के मुंह में कोई भी अनहाइजीनिक चीज आपको नहीं डालनी है वरना आप जानते हैं कि आगे चल के डायरिया हो जाएगा। तो साफ कैसे करना है, आप जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं या गॉज यूज कर रहे हैं या फिर फिंगर ब्रश यूज कर रहे हैं उसे बहुत ही एक खोलते हुए पानी में आपको क्लीन करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम बेबी का बॉटल क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए, एकदम नॉर्मल हो जाने दीजिए और फिर उससे बेबी की आप टंग या गम्स को क्लीन कीजिए। आप क्लीन करने के पहले चेक कर लेंगे कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं, कोई भी गर्म चीज बच्चे के मुंह में ना डाले। फिर अब बच्चे को आपको लेना कैसे है, तो बहुत सारे लोग लेटा कर करते हैं जो कि एक गलत मेथड है। अगर हम बच्चे को लेटा कर उसकी टंग क्लीन करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी बच्चों को खांसी सी आती है तो उसका जो सलाइवा है वो उसके अंदर सांस नली के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप उसको बिल्कुल लेटा के, फ्लैट लेटा के ना करें बल्कि उसकी गर्दन को हल्की से ऊपर करके करें। एक मिनट, जैसे ये बेबी है आप उसको बिल्कुल एकदम फ्लैट लेटा कर उसकी टंग क्लीन ना करें बल्कि उसे थोड़ा सा टिल्ट करके रखें, इस प्रकार से अपने गोद में रखें और तब आप उसकी टंग को क्लीन कीजिए। अब क्लीन करने के पहले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉटन है, इसको आप बहुत अच्छे से क्लीन करके अपने फिंगर में रैप कर लीजिए और फिर सिर्फ एक या दो स्ट्रोक करके आप छोड़ दीजिए। उसे बहुत बार रब करने या कई बार फिंगर ऊपर नीचे इधर उधर घुमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक या दो बार रब करके छोड़ दीजिए। हो सकता है कि एक दिन में पूरा क्लीन ना हो लेकिन आगे चल के वो 10 दिनों में इसका पूरा बैक्टीरिया या पूरी टंग, पूरे गम्स उसको अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का कहना है कि अगर हम बेबी की टंग क्लीन करते हैं तो सिर्फ 10 दिनों में उसके प्लैक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये हुआ टंग्स को और गम्स को क्लीन करने का तरीका। टंग के साथ आप गम में भी एक बार रब करें और जैसे मैंने बताया जो गाल है उसके अंदरी हिस्सों में भी एक बार रब करें, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ओरल थ्रश की, आपने नाम भी सुना होगा, ये ओरल थ्रश है क्या और जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनसे इसे कैसे डिफरेंशिएट करें। तो जो मैं आपको बता दूं, जो ओरल थ्रश है वो एक फंगल डिजीज है, एक फंगाई के कारण होता है और इसमें जो वाइट प्लैक फॉर्मेशन होता है इसे रब करके निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो होता है सिर्फ टंग में ही नहीं बल्कि ये गम्स में और चीक्स में भी बहुत देखने को मिलता है। अगर आपको डाउट है कि आपके बेबी को ओरल थ्रश है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिले, क्योंकि अगर बच्चे को ओरल थ्रश है तो वो उसके मुंह से माँ के निप्पल में भी स्प्रेड हो सकता है और ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बच्चे और माँ दोनों को प्रॉब्लम होगी। ओरल थ्रश है या नहीं है मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक बताया कि जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं उसको आप रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अगर ओरल थ्रश है तो उसे रिमूव करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जो आपके जो डॉक्टर है वो आपको बेटर बता पाएंगे कि ये ओरल थ्रश है या नहीं। आपको डाउट है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिले। बच्चों का टंग क्लीन करते हुए इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप उसके बहुत ही अंदर तक उंगली नहीं डालेंगे, उसके थ्रोट तक नहीं डालेंगे। बच्चे का मुंह छोटा होता है, हमारी उंगलियां काफ़ी लंबी होती है, तो ऐसे में क्या होता है कभी कभी हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अपने फिंगर्स को बहुत अंदर तक पोक कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे को वॉमिट हो जाती है, तो ये चीज़ को हमें अवॉइड करना होगा। फिर आता है टंग स्क्रैपर। टंग स्क्रैपर आप बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन टंग स्क्रैपर में आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चा अगर 1 साल से ऊपर, 1 या 1.5 साल से ऊपर है तभी आप टंग स्क्रैपर का यूज कीजिए, छोटे बच्चों में इसे यूज करना फिजिबल नहीं होता है। अब हमारे जो रिकमेंडेशंस है वो क्या कहती हैं, आप बच्चे का टंग, गम्स और चीक्स तीनों क्लीन कीजिए, कम से कम दिन में 2 बार क्लीन कीजिए
और जब उसके टीथ आ जाते हैं तो आप उसे टूथब्रश दे सकते हैं। इसके टूथब्रश को भी आपको दिन में 2 बार यूज करना होता है और जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है तब तक एटलीस्ट आपको एक डेंटल विजिट करना जरूरी होता है। तो ये है हमारे जो मेडिकल रिकमेंडेशंस हैं जो बच्चों के ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी हैं, ये है वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आपको जानकारियाँ मिली होगी, हमने ईयर क्लीन कैसे करना है और नोज़ कैसे क्लीन करना है इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो था टंग कैसे क्लीन करना है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है कि सही टूथब्रश और टूथपेस्ट कैसे चुने, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में इतने टूथब्रश है इतने टूथपेस्ट हैं कि सही कैसे चूज़ करना है ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, स्पेशली हम अगर एक फर्स्ट टाइम पेरेंट है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्लीट न्यू बॉर्न केयर के बारे में, बेबी और मदर के केयर के बारे में और सारे हेल्थ अपडेट टाइमली पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रश्मि बेबी केयर लाइफ पर। थैंक यू।